हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं गोभी का पराठा, जो कि टेस्ट में तो यमी होता ही है, पर इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो आपको दो स्टेप्स में काम करना है। पहले तो आपको इसका आटा रेडी करना है, और सेकंड स्टेप में आपको इसकी स्टफिंग रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आटा रेडी कर रही हूँ। इसका आटा मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड, तो आपको पराठे बेलने में आसानी होगी। ये पराठा आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, या फिर नाश्ते के लिए भी ये पराठा बन सकता है, और लंच भी इसका बहुत ही फुलफिलिंग होता है। अभी यहाँ पर मैं, जैसे ही हमारा आटा बन जाएगा, हम उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, और इसके ऊपर कंटेनर रख के इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे जब तक हमारी स्टफिंग रेडी नहीं हो जाती। स्टफिंग रेडी करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, तब तक आपका आटा रेस्ट पे ही रखे रहने दीजिए। यहाँ पे मैं गोभी लूँगी। गोभी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करूँगी, एंड फिर हम गोभी को मैश करेंगे। मैश करने से गोभी छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से हो जाएगी, और फिर ये हम इसे स्टफिंग की तरह यूज़ करेंगे। जैसे ही आप पूरी गोभी अच्छे से मैश कर लीजिए, आप इसे हैंड से मैश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गार्लिक, जिंजर और मिर्ची। इससे हम बनाएंगे एक पेस्ट, जो कि आप मिक्सर में भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हाथ से कुटाई करके इसका पेस्ट बना रही हूँ। इसके बाद मैंने रख दी है गैस पे कढ़ाई। हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सरसों। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो सरसों ऐड कर देना। सरसों चटकने लग जाए तो आपको इसमें ऐड करना है जीरा। तो जीरा और सरसों को आपको थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा, जब तक दोनों अच्छे से चटकने नहीं लग जाते। उसके बाद आपको इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। फिर प्याज को आपको ब्राउनिश, पिंक ब्राउनिश कलर का होने तक आपको इसे अच्छे से फ्राई करके ले लेना है। और उसके बाद आपको इसमें सॉल्ट ऐड करना है। आपको यहाँ पे सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार ऐड करना है। सॉल्ट के बाद मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करी हूँ। हल्दी से अलग ही टेस्ट आ जाती है हमारे खाने में, हल्दी जान होती है खाने की। उसके बाद यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। फिर गरम मसालों को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर जो हमने पेस्ट रेडी किया था ना, उसे ऐड कर देना है। अभी आपको पेस्ट आपके टेस्ट के हिसाब से बनाना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची ज़्यादा डालिए, कम तीखा पसंद है तो मिर्ची कम डालिए। तो इस हिसाब से आपको पेस्ट बनाते हुए याद रखना है, मतलब पेस्ट बनाने के टाइम आपको ये याद रखनी है चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। धनिया पत्ता से अच्छी स्मेल आती है। फिर जो हमने मैश की हुई गोभी थी ना, उसे आपको इसमें डाल देना है, और फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, और एकदम अच्छे से सारा जो मसाला है वो गोभी के साथ मिक्स होने देना है। और जैसे ही आपका ये पूरा अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगा, तो आपका ये स्टफिंग रेडी हो जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा सा फ्लेम पे रखना, स्लो फ्लेम पे आपको ये काम करना है। स्लो फ्लेम पे रखने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ना, एक प्लेट से आप इस पे ढक दीजिए, और इसे थोड़ी देर रख दीजिए शांति से, गैस ऑफ करके, ताकि ये सारा वेपर इवेपरेट हो जाए। और अभी हम बनाएंगे गोभी का पराठा, द फाइनल स्टेप ऑफ मेकिंग गोभी का पराठा। तो स्टफिंग भी रेडी है। अभी मैं यहाँ पे डो ले रही हूँ, और इसके पेड़े बना रही हूँ, छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना रही हूँ इसके। और जैसे ही आपके पेड़े बन जाए, तो मैं यहाँ पे तीन तरीके बताऊँगी कि आप तीन तरीक़ों से कैसे इस गोभी के पराठे को बेल सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ट्रेडिशनल वे, जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं, ऐसे एक कटोरी टाइप आप बना दीजिए, और उसके अंदर आप स्टफिंग जो भी हमने रेडी की है उसे को ऐड कर देना है। ठीक है, एक कटोरी टाइप बनानी है, उसके अंदर आपको स्टफिंग को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग ऐड कर दी। फिर आपको इनके चारों कोनों को आपको उसको क्लोज कर देना है, उसके अंदर ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, सेम आपको उसी तरह से सारी चीज़ें करनी है। इसे हम ट्रेडिशनल वे कहेंगे, जो भी ये कर पाएगा दैट्स वेल एंड गुड। तो आप इस तरह से एक बार बेल के आप अपना पराठा रेडी कर सकते हैं।
अभी हम बनाएंगे दूसरे तरीके से, जिन्हें ट्रेडिशनल वे नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके लिए मैं सेकंड वे लेकर आई हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पहले तो रोटी की तरह इस आटे को बेल के ले लेना है, और फिर जैसे आप इसे एकदम अच्छे से कोने कोने से आपको इसे सॉफ्ट करना है, एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं आया तो भी चलेगा, पर आपको इसे इस तरह से बेल लेना है। फिर इसके अंदर आपको बीच में आपको इसकी स्टफिंग को ऐड कर देना है, आपको एकदम सेंटर पे इसकी स्टफिंग को ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा इकट्ठा करके फिर चारों तरफ से फोल्ड करना है, जो भी हमारा आटा था, जो भी रोटी की तरह था, उसे आपको फोल्ड कर देना है, और उसके बाद आपको इसे बेलना है। तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा आपका पराठा, और इससे पराठा फटने के कम चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इसे तब तक बेलना होता है जब तक आपको ऐसे दिख ना जाए कि वो जो गोभी हमने स्टफिंग अंदर ऐड की है ना, तो वो ऊपर आ रही है। जब तक वैसे दिख ना जाए तब तक आप इसे बेलिए, और जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी गोभी ऊपर आने वाली है तो आप उसे बेलना बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, और फिर आपको इसे गरम करके सेक के आप परोस सकते हैं। जिन्हें स्टार्टिंग के दोनों भी तरीके नहीं आए तो आप चिंता मत कीजिए, ये आपके लिए लास्ट तरीका लाई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन तरीके बता दिए हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ करके पराठा बना सकते हैं। तीसरे तरीके में भी आपको क्या करना है, रोटी की तरह एक को बेल लेना है, और फिर इसके अंदर भी हम स्टफिंग ऐड करेंगे। हम इसके अंदर स्टफिंग ऐसे पूरी फैला के ऐड करेंगे, ठीक है, एकदम सेंटर सेंटर पे ऐसे स्टिकन नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे स्टफिंग ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग ऐड कर रही हूँ, देखिए, तो यहाँ पे मैंने सेंटर सेंटर नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे फैला दिया है, और उसके ऊपर हम एक और रोटी जो मैंने पहले से बेल रखी थी, हम उस रोटी को इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। जैसे मैं इसके ऊपर हम इसे रख देंगे इस तरह से। अब आप इसके चारों कोनों को एकदम पैक कर दीजिए, एकदम टाइट कर दीजिए, और बस उसके बाद थोड़ा सा आटा लगा के मैं इसमें बेल लूँगी। तो ये सबसे ईजी तरीका है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अभी इसे भी तब तक ही बेलना है जब तक कि आपको गोभी ऐसे थोड़ा ऊपर आते हुए नहीं दिख जाए। फिर क्या, बस बेल लीजिए, और फिर जैसे ही गोभी थोड़ी सी ऊपर दिखने लग जाए, देखिए जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं बेल रही हूँ, तो गोभी थोड़ी थोड़ी ऊपर दिख रही है, लेकिन जब थोड़ी ज़्यादा, अभी ये एकदम प्रॉपर बन गया है, तो यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, फिर इसे हमें सेक देंगे। इस तरह से आपका गोभी का पराठा बनके रेडी हो जाएगा। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं बनाने का, बहुत ईजी है और बहुत ही स्वाद आता है इसे खाने से, बहुत ही यम्मी बनेगा पराठा आपका। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो बस, क्या गोभी का पराठा खाइए ठंडियों में।